हम जा रहे हैं मीरा टेम्पल के अंदर, मीरा बाई के देवते विक्रमादित्य, वो यहाँ की राजगद्दी पाए। तो विक्रमादित्य ने मीरा बाई को समझाया कि हम राजपूत लोगों से बिलोंग करते। विष को प्यालो भेजो राणा ने, दियो मीरा के हाथ, कर चरणामृत पी गई मीरा, तुम जानो रघुनाथ। संचित का है, गुजरात के इडर गांव से है ना बप्पा रावत, उन्होंने इस टेंपल को बिल्ड करवाया था। तो आज इस वीडियो के इस एपिसोड में हम आए हैं जयमल पत्ता के में, जो महाराणा उदय सिंह के सेनापति थे। यहाँ पर भी बहुत सारी इमारतें थी कि बस खंडर ऐसे ही था। माता का मंदिर है, अगर जयमल और पत्ता का मेल था, इसको भी गुजरात के बहादुर शाह राठौर की सेना ने खत्म किया। और पहले अलाउद्दीन खिलजी ने भी तोड़ा, फिर उसके बाद में इसको रिपेयरिंग करवाया था कुंभार ने, तो महाराणा अमीर सिंह जी के बाद में कुंभार ने रिपेयरिंग करवाया। वो दीवार कहाँ है जहाँ पर जयमल जी दीवार रिपेयरिंग कर रहे थे और अकबर ने गोली चलाई? नीचे है, नीचे है, चित्तौड़ सिटी से दूसरे गेट के पास। अच्छा, वो दीवार वहाँ है। तो दोस्तों अभी हम हैं जयमल पत्ता के महल में, और जयमल पत्ता ऐसे वीर सिपाही थे, वीर सेनानी थे, जो महाराणा उदय सिंह की अनुपस्थिति में इस चित्तौड़ किले का प्रभारी बन के उन्होंने इस किले की रक्षा की, और रक्षा है तो अपने प्राण त्याग दिए। जयमल जी के बारे में ऐसा बताया जाता है कि एक बार वो दीवार की रिपेयरिंग कर रहे थे, तब अकबर ने अपनी संग्राम बंदूक की गोली से उनको गोली मार दी। उसके बाद उनका पाँव जो चलने लायक नहीं रहे, तो उनके बाद उनके जो भतीजे थे कल्ला जी ने उनको कंधों पर बिठा कर और चित्तौड़गढ़ का जो तीसरा शाखा है 1567 में हुआ था उसमें भाग लिया था। तो आप देख पा रहे होंगे ये पत्ता जी की और जयमल जी की हवेली है, अभी काफ़ी अच्छी कंडीशन में मौजूद तो नहीं है, क्योंकि यहाँ सभी जर्जर सा हो गया है। और यहाँ पर कंकाली माता का मंदिर मौजूद है, ब्लू कलर, रेड कलर सब दिख रहा होगा आपको। ये कलर उन्हीं वर्षों से अभी तक मौजूद है, जिनको अभी तक 700 से 800 वर्ष हो चुके हैं, और अभी आप देख पा रहे होंगे काफ़ी खंडर पूरा हो चुका है जयमल जी पत्ता जी के महल के अंदर। और हमको काफ़ी गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि हम इन वीर सेनानियों की इस महल में जा रहे हैं जहां पर अभी कंकाली माता का मंदिर मौजूद है। दोस्तों अभी हम जयमल जी और पत्ता जी के महल के अंदर आ चुके हैं, जहां पर कालांतर में माता जी की मूर्तियां विराजित कर दी गई। कंकाली माता का मंदिर आप देख पा रहे होंगे, और यहां पर ऊपर पूरी छत थी जो जीर्ण शीर्ण हो गई बाहरी आक्रमणकारियों के आक्रमण जेल जेल के। ये वही महल है दोस्तों जहाँ पर जयमल जी और पत्ता जी ने अपने दिन बिताए थे, वो चित्तौड़ के रक्षार्थ हेतु अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। ऐसे वीर स्वाभिमानी महापुरुष के महल में आकर आज हमको बहुत ही गौरवान्वित महसूस हो रहा है, क्योंकि ऐसे महावीर और ऐसे पराक्रमी लोग जिन्होंने अपना कुछ ना देखा, वो अपने देश के लिए अपने प्राण त्याग कर दिए। अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ एक ढोल जिसको कब्र से ढक रखा है, वो सामने ये मूर्ति है, शायद ये जयमल जी की मूर्ति है। अभी हमारे शर्मा जी से हम इसकी बात का डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर भी बहुत सारे
फ्लोर थे, लेकिन सभी फ्लोर गिरा दिए गए। अभी हमको एक ही फ्लोर दिखने को मिलता है जो नीचे से ऊपर तक सिंगल पीस है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कितनी मोटी इसकी छत थी जिसको गिरा दिया गया। दोस्तों यही वो महल है जहाँ पर जयमल जी पत्ता जन्मदिन बिताए थे और देश के लिए शहीद हुए थे। काफ़ी भव्य महल होगा, लेकिन अभी समय के थपेड़ों से सब कुछ परिवर्तित सा हो गया है और महल अभी पूरे जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। अभी माता जी का मंदिर है तो हमने भी माता जी के मंदिर के दर्शन करके आए। दोस्तों अभी ये देख पा रहे हो ये महल के ऊपर जाने का रास्ता था, लेकिन अब सभी बंद है। बाहर लॉक लगा रखा है, लॉक क्या तार से लॉक कर रखा है। दोस्तों अभी आप देख रहे हो दीवालों पर काफ़ी बुरी बात है कि अपने यहाँ के कुछ लोग बाग आके अपना नाम या खोद के जाते हैं। तो भाई अगर उन लोगों को नाम खोदना है तो अपना बिल्डिंग बनाकर अपने बिल्डिंग पर नाम खोदिए ना। क्यों अपनी राष्ट्रीय धरोहर को जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अपनी पहचान बना चुकी है उनके साथ ऐसी दुर्दशा कर रहे हो। अगर आपको कोई ऐसा लिखता हो दिखे तो प्लीज़ उसे मना करिएगा, उसे टोकिएगा और उसे समझाइएगा कि जो तुम कर रहे हो वह काफ़ी गलत है। ये जयमल जी पत्ता जी के यहाँ पर एक सुरंग मौजूद है जो अभी बंद है। यहाँ पर अंदर सुरंग रहती है लेकिन पूरी बंद है, अभी अंदर तो नहीं जाएंगे हम। तो देख रहे हो दोस्तों किसा महल था ये। तो अभी जो आप तालाब देख पा रहे हैं यह है जयमल पत्ता तालाब, क्योंकि यह तालाब जो जयमल जी पत्ता जी का महल है आप देख पा रहे हैं इस महल के जस्ट सामने बना हुआ है। तो इसी महल के कारण इसका नाम जयमल पत्ता तालाब कहा गया है, क्योंकि इसी तालाब से पत्थर निकाल निकाल कर उस किले में लगाए गए हैं। काफ़ी विशाल यह तालाब है। तो दोस्तों यही था जयमल जी पत्ता जी का महल। आशा करते हैं ये महल आपको पसंद आया होगा, इसका इतिहास जो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी गौरवान्वित है, वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे जो अगले एपिसोड आने वाले हैं उसमें बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री महाकाल।